स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब अज्ज दे सैगमेंट में। मेरा साथ देने योगेश भाटिया जिहड़े साडे मेहमान ने ते नाल उहनां दे एमनप्रीत जसल भी बैठे हुए हैं जिहड़े कि इहनां दे नाल जो ये संस्था चला रहे हैं एक वॉलंटियर ऑर्गनाइजेशन उस विच इहनां नूं सपोर्ट करते हैं एमनप्रीत जसल। स्वागत करते हैं दोनों ही मेहमानों का। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू। सो योगेश जी, फ्रेंड्स फॉर कॉज फाउंडेशन जो आपने बनाई है, इसका क्या मकसद क्या और कैसे आपने इसको सोचा बनाने के लिए? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अपनी बैकग्राउंड कर दूँ। पिछले 25-30 साल से यहाँ से इमिग्रेट इंडिया, यहाँ पे इमिग्रेट होने से पहले मैं इंडिया में काफ़ी सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहा, क्योंकि मेरे फादर हमेशा रहते थे गरीब लोगों को हॉस्पिटल में मदद करना, तो ये एक हमारे फैमिली में एक रहा हमेशा। मेरी ग्रैंड मदर भी फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, तो हमेशा हम लोग करते रहते थे जी। फिर कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जीवन के अंदर, जब जीवन में हादसा होता है तो आदमी को और समझने का मौका मिलता है। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, मैंने बस कनाडा इमिग्रेट ही करा था और 3 महीने में मेरे छोटा भाई था, ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी, और उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ ने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। उससे पहले जस्ट थोड़े वक्त पहले मेरे फादर की भी डेथ हुई थी US में, तो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी। तो मैं इंडिया जब गया था, उनके फ्यूनरल की दिन की बात है, फ्यूनरल करके बैठा ही था तो चांस की बात है एक हमारे दरवाजे पे एक आदमी आया, उसकी आंख में प्रॉब्लम थी जी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे कुछ करना चाहिए बस ऐसी, तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मेरी आंख में तकलीफ है। तो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनको मैंने कॉन्टेक्ट करा और उसका उसने कहा भी सर्जरी होगी, मैंने कहा आई विल पे फॉर इट सर्जरी, आप करवा दो। बस एक मन में बात उठी, मैंने कहा चलो हम लोग 25 लोगों की सर्जरी करवाते हैं कैटरेक्ट की। मैं कैटरेक्ट के बारे में पहले भी जानता था, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ था जी। तो उस फ्यूनरल वाले दिन जो चीज़ शुरू हुई, तो 25 लोगों की उस 5-7 दिन में हम लोगों ने गरीब लोगों को चुन के सर्जरी करवाई, तो मुझे एक बहुत ही सुकून मिला और एक जीवन में मकसद मिल गया। तो मैंने सोचा मैं भाई के लिए हर साल ये करूँगा। मैं फिर नेक्स्ट ईयर गया, फिर 50 लोगों को हुआ, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप ही लोगों को मालूम पड़ा, मेरे दोस्तों को, तो दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। एक्चुअली आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन फेसबुक, बस एक शुरुआत हो गई। बहुत खूब। सो आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला बढ़ता चला गया। फिर किसी ने कहा भाई एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बना लो, ठीक, हमने बना ली, रजिस्टर करवा लिया उसको। तो फोकस आपका इसका यही है कि लोगों की जिनकी आंखें खराब हैं उनको उनके ऑपरेशंस करवाए जाएं। इंडिया में ही होता है या कहीं और भी करते हैं आप? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में, कैटरेक्ट के बारे में बता दूं कि 40 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड जो हैं वो अंधे हैं एक्चुअली। उसमें से 16 मिलियन जो हैं वो हिंदुस्तान में अंधे हैं। हिंदुस्तान हैज़ अ हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन ऑफ द ब्लाइंड्स इन द वर्ल्ड और 63% उनमें से कैटरेक्ट की वजह से है। तो आप इस तरह से सोचिए कि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड इंडिया के अंदर है जो कि इस परेशानी से जूझ रही है। और कैटरेक्ट एक इतना आसान ऑपरेशन है, जब हमने वो 25 सर्जरीज करवाई थी तो उस समय एहसास हुआ कि आप एक छोटे से एक्शन से, अपने छोटे से काम से कैसे किसी का जीवन बदल देते हैं। तो बस वो एक मुहिम बन गई, एक पैशन बन गया और वो शुरुआत हो गई। और एमएन जैसे आपको वॉलंटियर्स मिलते रहे? एमएन की तो मैं के बारे में जितना कहूँ उतना कम होगा। एमएन डे वन से हमारे साथ इधर ब्रिटिश कोलंबिया में जुड़ी हुई है। शी हेल्प्स मी टू कलेक्ट फंड्स, शी टेल्स पीपल अबाउट द प्रोजेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव एक्चुअली जॉइंड आवर ग्रुप बिकॉज ऑफ एमएन। वेल, आई आल्सो हैपन टू नो अबाउट यू फ्रॉम हर ओनली। ये बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। सो अब तक आप कितना काम कर चुके हैं, कितनी को सर्जरीज हो चुकी हैं और कैसे आप ये सारा सिस्टम कैसे होता है, लाइक एक कैटरेक्ट के लिए कितने डॉलर्स लगते हैं और कैसे कोई इसका हिस्सा बन सकता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे ये प्लानिंग करते हैं। तो मैं एक्चुअली पूरे साल इसमें लगा रहता हूँ। मैं हर साल इंडिया जाता हूँ जी। मैं 1.5 महीने से 2 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया, मेरा ये है कि चाहे दुनिया में कुछ हो जाए ये मुझे काम ज़रूर करना है। राइट, पहली बात। दूसरी बात, एक खर्चा इसमें $50 का आता है। तो $50 एक कैटरेक्ट सर्जरी का जो आता है वो $50। जो माया इकट्ठी होती है उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, कोई खर्चे वगैरह तो नहीं? आपको ये जानकर खुशी होगी कि क्योंकि हमारी फैमिली एड ऑन करती है, तो जितना मेरा अपना एक्सपेंडिचर है वो तो मैं अलग करूंगा ही। और 25 से 50 सर्जरीज का मैं हमेशा फंड खुद देता हूँ और उसके बाद जो भी एड हो गया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की भला हो जाए। ठीक।
तो आप मैनेज कैसे करते हैं यहाँ पे? फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक व्यक्ति का करना चाहता हूँ आँख का ऑपरेशन, $50 मैंने आपको दे दिए, तो आप वो $50 लेके भारत चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर डॉक्टर जो है वो आप लोगों को हॉस्पिटल्स लेके आते हैं या कोई कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे ये सारा ऑर्गेनाइज होता है? मैं इसको पूरा बताता हूँ आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमें हमारा जो गोल टारगेट पॉपुलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। एक तो हम ऑपरेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का करवाते हैं, जो हिंदुस्तान में किसी भी कोई आदमी करवाने जाएगा हॉस्पिटल में तो उसका 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होगा। तो आप समझिए स्ट्रीट पे रहने वाला आदमी ये ऑपरेशन नहीं करवा सकता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि थोड़ा रिच, मतलब गरीब तो नहीं है लेकिन वो भी ये सर्जरी नहीं करवा सकते। फीको सर्जरी जो बिना टांकों वाला ऑपरेशन है जिसमें अच्छा लेंस डलता है, तो हम लोग उसके लिए कैंप लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है टारगेट पॉपुलेशन पे पहुंचना। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने स्ट्रीट्स हैं, जैसे जिस भी सिटीज़ में, मैं 3-4 सिटीज़ में काम कर रहा हूँ, तो आई विल गो ऑन द रोड विद अ टेक्निकल पर्सन और हम लोगों को सड़क पे जितने भी बैगर्स हैं, स्ट्रीट पीपल हैं, मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनको ज़रूर चेक करते हैं और उनको समझाते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग शुरू में विश्वास नहीं करते। खैर अब तो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं सबको मालूम है, शुरू में लोग विश्वास ही नहीं करते थे और कहते थे भाई आप क्यों करवाएंगे हमारा ऑपरेशन। तो लेकिन जब एक दो जनों का हो जाता है और वो आँख से देखने लगते हैं ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आप भारत में बहुत कुछ होता है जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर जब मेन कैंप लगता है उसमें ये होता है कि हम लोगों को जो स्ट्रीट कैंप्स हैं, इन्फॉर्मेशन कैंप्स उनको कहते हैं, वो मेन कैंप से पहले हम 10-15 लगा देंगे विलेजेस में, छोटे छोटे टाउन्स में, मेन मोहल्लों में, गरीब जगहों पे, और वहाँ पे आईडी कार्ड्स बना देंगे। तो उसके बाद मेन कैंप होगा जो गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह हम लेते हैं। बड़ा प्रोसीजर है उसका टोटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन होना, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, सबको इन्वॉल्व करके चलते हैं। और उसके बाद मेडिकल कैंप होगा, उसमें फिर उसके सब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेक्ड बिफोर सर्जरीज कैन बी डन। या फिर उसको हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हमारा सेट वो है कि डॉक्टर्स हमारे लिए वॉलंटियर्स करते हैं, हम लोग एक लेंस की कॉस्ट देते हैं और दूसरा जो है मेडिसिन की कॉस्ट देते हैं और थोड़े बहुत जो ओवरहेड्स हैं, तो वो $50 के आसपास हमारा हो जाता है। अब तक रफली कितने लोगों की आंखें आप जो हैं ठीक करवा चुके हैं लोगों के सहयोग के साथ, और फाइनली अगर किसी ने इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है कहाँ पे आपके साथ संपर्क किया जा सकता है? हम लोग अब तक 501 लोगों की सर्जरीज करवा चुके हैं, 501 पीपल हैव बीन एबल टू सी नाउ, वंडरफुल। और 1500 लोगों को हम चश्मे भी बांटते हैं, तो 1500 लोगों को अब तक चश्मे दे चुके हैं। 6 साल से काम चल रहा है ये। और आपके साथ किसी ने ज्वाइन करना हो इस मूवमेंट को, कोई कंट्रीब्यूट करना हो, तो कहाँ पे आपको फोन किया जा सकता है? तो मैं एक तो अपना नंबर दे देता हूँ और दूसरा हमारी जो वेबसाइट है www.friendsforcause.org। ओके, सो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फ्रेंड्स फॉर कॉज .org। तो आप उस साइट पे जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फोन नंबर? मेरा फोन नंबर है 604-366-6942। योगेश जी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बेस्ट विशेस। ये आप जो नेक इरादे से जो काम कर रहे हैं, आस करते हैं कि और कामयाब हों और लोगों की जिंदगियों में रोशनी आ सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। मैं बस एक लास्ट बात और कहना चाहूँगा जी कि एक बहुत बड़ा हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है कि हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एक्चुअली, क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड्स है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है 2020 जिसमें वो ब्लाइंडनेस रिमूव करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आई एम रियली लुकिंग फॉर समबडी, मैं कहूँगा सच में आई एम लुकिंग फॉर गुरु का सिख, जिसके भगवान ने यहाँ पे लोगों को बहुत पैसा दिया जी। अगर किसी की समझ में आती है तो वो जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें एंड वी कैन सिट डाउन एंड टॉक अबाउट Hospital on wheels for removing blindness in India. Well, definitely the program is watched all over Canada and we expect somebody to come forward. Guru Gassik. Thank you and best wishes. Thank you, sir. Thank you.